हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स इज यूनिक। आज है सैटरडे अप्रैल 13, 2024। इंग्लिश वोकैबुलरी में वर्ड ऑफ द डे इज असर्टिव, ASSERTIVE। असर्टिव का मीनिंग होता है एन असर्टिव पर्सनालिटी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु इज कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड नीड्स इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। सो असर्टिव वर्ड किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। किस पर्सन की? जो कॉन्फिडेंट होता है एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड नीड्स इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, यानी कि वो अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को और नीड्स को एक्सप्रेस करने में कॉन्फिडेंस फील करता है इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, यानी कि एक रिस्पेक्टफुल मैनर में वो अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और नीड्स को एक्सप्रेस करता है। मतलब वो बिल्कुल भी शाय नहीं है, उसके मन में जो है क्लियरली वो बोलने में कॉन्फिडेंट है। असर्टिव की हिंदी मीनिंग है निश्चयात्मक और स्वीकारात्मक। सो आई होप कि आपको असर्टिव का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। असर्टिव वर्ड पर्सनैलिटी ट्रेट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जो भी पर्सन उसके आइडियाज़, थॉट्स, नीड्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर सकता है उसको हम कहते हैं असर्टिव। नाउ वी विल मूव ऑन टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ असर्टिव। सिनोनिम्स ऑफ असर्टिव आर कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, डिसाइसिव एंड एश्योर्ड। नाउ एंटोनिम्स ऑफ असर्टिव आर शाय, रिटायरिंग, क्वाइट एंड मॉडेस्ट। तो देखिए, हमने असर्टिव का मीनिंग क्या समझा? जो पर्सन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है इन एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड नीड्स, सो उसका ऑपोजिट क्या होगा? जो पर्सन शाय है, क्वाइट है, यानी कि जो शर्मीला है। सो देखिए एंटोनिम्स भी इसके शाय, रिटायरिंग, क्वाइट एंड मॉडेस्ट। देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होते हैं, जो वर्ड पर्टिकुलरली हम समझ रहे हैं उसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझने में मदद करते हैं। सो इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को भी बताती हूँ। सो आई होप कि आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू सिनोनिम एग्जाम्पल सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज वुमेन हैव बिकम मोर असर्टिव इन द पास्ट डिकेड, यानी कि पिछले पास्ट डिकेड में वुमेन, औरतें, महिलाएं मोर असर्टिव हो गई हैं, यानी कि वो और ज़्यादा निश्चयात्मक और स्वीकारात्मक पर्सनैलिटी की बन गई हैं, यानी कि अब उनमें कॉन्फिडेंस है अपनी बात को एक्सप्रेस करने का इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। सेकेंड सेंटेंस इज जैक हैज़ अ वेरी असर्टिव पर्सनैलिटी। जैक की पर्सनैलिटी क्या है? असर्टिव है। थर्ड सेंटेंस इज इफ़ यू वॉन्ट पीपल टू लिसन टू योर ओपिनियंस यू विल नीड टू लर्न टू बी मोर असर्टिव। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी ओपिनियंस को सुने, तुम्हारी बात को सुने, तो तुम्हें सीखने की ज़रूरत है टू बी मोर असर्टिव, कि असर्टिव कैसे हों, कैसे अपनी बात को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करें। सो आज की वीडियो में हमने सीखा इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड ऑफ द डे असर्टिव, जिसका मीनिंग होता है निश्चयात्मक, स्वीकारात्मक। सो आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल यूनिवर्स इज यूनिक टू लर्न इंग्लिश एवरी डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।